दानिश की फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। दानिश देखो जी तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे। ट्रांसफर मुड़े ना ट्रांसफर मुड़ पे सुनाए ਕਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਲਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਜੀ ਗਾਉਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਲਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਲਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ दानिश की काफ़ी तबीयत खराब हालत ज़्यादा खराब हा दानिश की अल्लाह पाक ने सारे भैन भरा मैं दवा करनी दानिश वास्ते अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे तो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हाँ दानिश अली गल देख के हूँ असं तैयारी कर ली है तो अभी सब लोग जा रहे हैं मतलब मैं बाजी मुनीर दानिश और अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब उम्मीद कर दी आप सब फिर ऐसे होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे हर आने वाली दुख तकलीफ तो नजात दे सदवान अज का ब्लॉग शुरू करते हैं शुरू करने पहले छोटी जी अर्ज करते हैं जो मेरे भैन भी सारे नवे जिन्होंने साजदा फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सारी आने वाली एनी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भैन भरावों को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी अज की वीडियो इस तरह वा कि मेरे भैन भरावों ने मेरे नाल रहना प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वाच करनी है सब तो पहले दानिश वास्ते बहुत ज़्यादा मेरे भैन भरावों ने दुआ करनी है कि वो दानिश की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब आ दानिश वास्ते काफ़ी ज़्यादा मेरे भैन भरावों ने दुआ करनी है दानिश की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब आ कि सुबह मैं चली जाना सी गाँव दानिश की तबीयत जी काफ़ी ज़्यादा खराब सी फिर सुबह रसलान गया जाके मैं लैके आया अच्छा तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत दानिश की खराब सी लैके आया मैं जाके रसलान तो मैं सुबह इधर आई हाँ बच्ची मुंडिया के घर तो हम असं चले हाँ मुल्तान वापसी क्योंकि मेरे सामने जो दौरा पिया ना मुंडे मुंडे की इन्नी तबीयत खराब सी ना कि मुंडे अखा जेहरा भी बहुत बुरा हाल सी और चेहरा बिल्कुल मुंडे का ब्लैक हो गया जबान जी बिल्कुल नीले कलर हो गई ग्रीन हो गई बहुत दिन देख के बच्चे वाले परेशानी हुई तो इस करके हम असं बिल्कुल तैयारी कर ली है रेडी हो गए हैं तो असं जा रहे हैं मुल्तान मैं जा रही हूँ अपने घर वापसी तो बाजी तो भाजी तो निका दानिश लैके जा रहे हैं और मरियम जी है घर ही है तो दानिश जो उपर वाला दुध पी लेंदा वा तो आ जा अरसलान आ गया ठीक हो गया फिर है वालेकुम सलाम दानिश जरा वा अरसलान अरसलान भी परेशान आ ते अल्लाह सोना दे बेटे ने तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तोने मैं आया कम तो तेरा कम चाल बनवा के आया मुंडा को अच्छा सही मैं कह जांदे कि पता कर लिए ये जे मैं नहीं गई या नहीं गई टाइम ना वेस्ट कर तो सीधा चले जाने की गाने की बहुत बुरी हालत हुई पहले मैं रोने लगी मुंडा देख के इन्ना मेरा दिल परेशान अल्लाह पाक खैर करे हां जी चलो ठीक है फिर हम चलते हैं ठीक है ना बस दुआ करियो बच्चे वास्ते अल्लाह पाक उन तंदुरुस्ती दे बाकी अल्लाह दा मौला अल्लाह दे हवाले परेशान ना ठीक है ना ठीक है अरसलान मकान बनाऊगा तिकर और जेड़े सामने किचन होगा जो कमरे आ कमरे इन्होंने प्लस्तर कर लिया दो कमरे तो बाजी ने अपनी वीडियो दिखाए हो मैं बाहरों दिखाते ने कि जेडे कमरे प्लस्तर हुए ने रोड तो असं आ गए रोड तो पहुँच चुके हैं तो हम अभी खड़े हैं गड्डी के इंतजार जिमें सू गी मिलेगी उस तरह असी बैठ जाए गड्डी बाजी मैं ए वाला जो पठान लाग बैठा अपनी रोजी रोटी वास्ते छोटा जहा डी ये रुमाल रोटी वाले मतलब चादर वगैरह ये भी सेल कर रहा ये आप कुर्सी उठा के बाजी में लिया के दी दानिश बाजी लैके खड़ी सी कुछ देर तो मैं चक्या वा फिर माशाला बड़ा सारा वा बंदा चुके थक जाता तेरी तस्वीर बनावा कहना मेरी वीडियो बना लो अच्छा नहीं तो इतना मामी के नाल खड़ा हो जाते तेरी वीडियो बनानी है कहना मेरी वीडियो बना देखो बाजी मैं कुर्सी ला देखो बाजी तू कुर्सी पर बैठ जा दानिश लैके ताकि तू थकेगी नहीं फिर दानिश लैके कुर्सी कुर्सी पर बैठी है दानिश तो बहुत ज्यादा बाजी परेशान आ बस अल्लाह ख्याल करे अल्लाह मियां तंदुरुस्त देवे छोटा जिहा बच्चा वा दानिश का कलर देखो जी कितना डिम हो गया देख के बहुत परेशान है दानिश वाले नहीं
नहीं बैठे है, बैग साडा आप आया, कहना बैग के उपर बैठ जा शरारती बच्चा। गड्डिया आ गई है, हल टैंकिया आ रही, ट्रक टैंकिया। दानिश की फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। दानिश देखो जी काफी लेट से घर पहुंचे हैं, काफी देर हो गई है, तकरीबन 9 का टाइम हो गया वा। मैं सुबह टाइम ना ही निकल आना सी मुल्तान, तो फिर भाजी उन्होंने घर गई हाँ, जो भाजी उन्होंने घर गई हाँ तो असलान आके मैंने लै गया, दानिश में काफ़ी दौरे तो दौरे पै रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब सी। तो मैं भाजी तो भाजी मीरा कहें कि तुम इस तरह करो भी अरे ना जाओ, तो सू नाल लैके जाऊंगी आप कट्ठे चलते हैं। मैं चलो ठीक हो गया। तो भाई जी मोटरसाइकिल खराब से उन्हें तारा वगैरह टुटिया, मोटरसाइकिल काम कराना से थोड़ा बहुत वह उन्होंने करवाया, और उस तो बाद बालन भी लिया के दिता भाजी ने, घर बालन लिया के देना स, बालन लिया के दे के फिर आना, तो नाल मरियम ने भी सगा, तो मरियम नहीं आ सकी इस तरह के आयशा फिर स्कूल जाती है, तो जारी गल घर दरवाजे भी नहीं उन्होंने लगे, तो मरियम का रहना फिर बहुत जरूरी सी। मरियम जरा अरसलान आ काम पर चल जाता, फिर मरियम तो हनान जरा ये फिकार से, तो ऐशा ने भी स्कूल जाना हों, इस करके फिर वाह सू तकरीबन देर हो गई आद्या आद्या, कुछ शहर आए हैं फतेहपुर, फतेहपुर अड्डे पर खड़े असं इन्नी देर इंतजार करते रहे, इन्नी देर इंतजार करते रहे कोई गड्डी ना आए, एक गड्डी आई आई तो लोकल गड्डी सी, तो वह भी डेरा गासी खान की सी, तो तक पता छोटा शहर वा, तो लेकिन झट लगता ही ना आखिरकार। तो फिर बड़ी जरा सी गई आई 5:30 बजे डेबो आई है, 5:30 वाले टाइम पर अं डेबो से बैठे हाँ, तो इतने सू डेबो ने पहुँचाया जी 9 बजे, तो 9 बजे असं मतलब कि अड्डे च उतर गए, उतर गए सू घर 9 तो ज़्यादा टाइम हो गया तकरीबन घर पहुँचा पहुँचा, तो हूँ घर आए हैं। घर आके जरा सी भी मैं क्या मैं अपने भैन भरावान शेयर कर लव कि असं खैर खेत न अपनी मंजिल से अपने घर पहुँच गए हैं। मैं तो सुलकर नैन गए थे, तो कोई थोड़ा जहा मसला सगा, कोई दवार वगैरह का मसला सगा, इस करके मैंने जाना मेरी मजबूरी बन गई सैन के पापा कहें कि तू चले जा, तो निधा अलीजा जैन घर ही सके, जैन के पापा भी घर ही सके, क्यों अगर स्कूल ज़्यादा दूर पैंता से ज़्यादा परेशानी सी, लेकिन शुक्र अलहमदुल्ला जो इस घर में अं आए हैं अपना इस जाती घर लै लिया, और उन्होंने साढ़े स्कूल भी नज़दीक पैंता वा, हूँ अल्लाह का शुक्र है कि कोई परेशानी नहीं आई, शुक्र अलहमदुल्ला, अल्लाह सुना हर एक सिद्धी छत देवे। तो दानिश बेटे वास्ते भी बहुत ज़्यादा दुआ करे, वह मैं एक क्लिप बनाया वा, है क्लिप वह मेरे घर का ही आ, इतने आके एक क्लिप असी बनाया वा दानिश का, तो जिसे दानिश की तबीयत खराब हुई हैगा वह क्लिप मेरे घर का ही, मैं इतने आके मतलब भी बनाया, तो वह भी मैं अपने भैन भरावान मतलब लगाऊंगी शेयर करूँगी कि उन्होंने किस तरह बच्चे दौरा पै जाता वा, इस तरह वो हालत हो जाती कि जिम्मे अस्पताल फिर अल्लाह माफ़ करे बंदा बिल्कुल ही खत्म हो गया, इस तरह बच्चा हो जाता वा, तो मेरा दिल खुद इतना परेशान होता वा देख के इन्ना प्यारा बच्चा माशाअल्लाह मियां तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे, तो लैके आए देखो जी फिर हम टाइम लवेंगे डॉक्टर को लैके फिर जैन के पापा लैके जाएंगे उन्होंने इन्होंने जाके चैकअप का करवा के लियाएंगे, बाकी अल्लाह खैर करे तबीयत वो बच्चे वास्ते जो बहुत ज़्यादा दुआ करना कि तबीयत बच्चे की ठीक नहीं हैगी, तो माशाअल्लाह जो खेलता वा तो खेलता वा, जो दौरा पै जाता वा फिर उन्होंने कोई होश आवाज नहीं रहा कि इदा अपनी सुध बुध खो पैंता वा, इन्नी बच्चे की तबीयत खराब होंगी है, तो दानिश तो दिल काफ़ी परेशान आ, अल्लाह मियाँ ने दिता वा तो अल्लाह सोना माँ की गोद हरी रखे, चोली खैर ना भरी रखे, अल्लाह सोना जरा सू तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे, तो अल्लाह उन्होंने लंबी जिंदगी देवे जो जो भी जीवे साड़ी तो हमेशा ही दुआ वा, जे बे औलाद अल्लाह तला उन्होंने नेक सारे औलाद भी अदा फरमाए, असी तो हर वास्ते दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक जरा सी तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे, मेरे भैन भरावे भी सारे उस दानिश बच्चे वास्ते भी दुआ करना, साढ़े वास्ते भी दुआ कर कि अल्लाह मियाँ सानू तंदुरुस्ती दे सेहत देवे, असं भी हर वास्ते दुआ करते हैं, अल्लाह हर एक अपने ईमान च रखे, जो बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, जो माँ बाप परेशान आ, अल्लाह ताला उन्होंने बच्चों के नेक रिश्ते करवाए, और जोड़े बीमार ने अल्लाह ताला उन्होंने शफा देवे, साढ़े हमेशा दिल यही दुआ वा, क्यों साढ़े भैन भरा साड़ी वीडियो देखते हैं, असं भी अपने भैन भरावान सू अच्छे अच्छे कमेंट जो करते हैं, साड़ा दिल देख के बहुत खुश हों, सा मुँह चु अपने भैन भरावान वास्ते बहुत ज़्यादा दुआं निकलियां वा, यह नहीं कि मैं वीडियो में दुआ कर रही हाँ, जो नमाज पढ़ती हाँ मैं पूरी मखलूक वास्ते हर एक वास्ते बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, तो बस मेरे भैन भरावान वास्ते यही है, भैन भरावान अगर यही रिक्वेस्ट आ कि साढ़े वास्ते भी मजीद दुआ करया करो कि अल्लाह सोना जरा सी सू तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे अपने बच्चों में भी सही मान ना रखे, तो दानिश बेटे वास्ते भी फिर तो मैं कह रही हाँ कि दुआ करना, और जी जरूर फिलहाल ही जरा सुन लवान
ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਟਿਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਿੱਕਰ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਓ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।